तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि आज जो मौसम है बिल्कुल ट्रैवलिंग करने लायक है और मैं निकल चुका हूँ ट्रैवलिंग करने अपने घर से निकल के। अभी मैं अपने गांव से निकल रहा हूँ और काफ़ी शानदार व्यू है और आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है, तो ऐसे में लगा चलो चलते हैं कहीं ट्रैवल करके आते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। तो हम लोग निकल चुके हैं ट्रैवलिंग करने और काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि आज काटी दिन और काफ़ी मज़ेदार राइडिंग होने वाला है। और ये ब्लॉग तो काफ़ी खास होगा क्योंकि नेचर का जो व्यू आज देखने को मिलेगा वो अमेजिंग है। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत मौसम, काफ़ी मज़ा आने वाला है पूरा ब्लॉग्स में, तो बने रहें हमारे साथ। और ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ और काफ़ी कुछ आपको दिखाऊँगा, काफ़ी कुछ आपको बताते चलेंगे इस रूट के बारे में और कैसे क्या होने वाला है, ब्लॉग में क्या रहने वाला है वो सब आपको बताएंगे। एक फर्स्ट अभी हम लोग अपने गांव से निकलते हैं बाहर जा रहे हैं और आपको काटी डेम का पूरा खूबसूरत वाला व्यू होगा वो दिखाएंगे क्योंकि उधर से होते हुए पास करेंगे, तो पूरा इंफॉर्मेशन है वो आपको देते हुए चलेंगे। अभी हम N31 पे चल रहे हैं और सामने आपको टूल टैक्स दिखाई दे रहा होगा, ये अभी बनना नहीं है, अभी बन रहा है। तो अभी काफ़ी सुंदर सा प्लॉट आपको देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है चलने में। और आपको दिखाई दे रहा होगा टिल टॉक्स जो है उसके ऊपर झंडा लगा है, उसका जो व्यू आ रहा है वो काफ़ी शानदार लग रहा है। तो चलते हैं, अब काफ़ी मज़ा आने वाला है इस प्लॉट में आप लोगों को क्योंकि पूरा जो मौसम का जो इतना हसीन वादी जो देखने, जब मैं काफ़ी देर से होते हुए जाऊँगा तो वहाँ का जो व्यू होने वाला है बिल्कुल ही अमेजिंग होने वाला है, तो वो मिस मत कीजिएगा। और चलिए और आपको काफ़ी चीज़ बताते चलूँगा, ये N30 रोड जो काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार हुआ है अभी अभी और कहीं कहीं बन ही रहा है, बट जो व्यू है इसके आसपास वो काफ़ी शानदार है, देखने में काफ़ी मज़ेदार है। बीच बीच में काफ़ी आपको नदियाँ मिलेंगी जो पार्क व्यू, उसका व्यू देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और जब अभी हम काटी डेम जो डेम है उसके किनारे पसेंगे और वो वाला जो व्यू आएगा वो बिल्कुल ही अमेजिंग और बिल्कुल उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मतलब उसका जो सुंदरता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तो एक बिल्कुल ही खास होने वाला है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा मौसम काफ़ी शानदार है भाई, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग करने में। अभी मैं गोरी पुल से पास कर रहा हूँ और इधर का व्यू भी काफ़ी शानदार है जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखिए पहाड़ी वाला क्षेत्र वो दिख रहा है। और मौसम मौसम को मत बोलो, अब मैं अभी अभी जस्ट डैम के किनारे पहुँच चुका हूँ और आपको ये व्यू दिख रहा होगा काफ़ी शानदार, देखने में भी काफ़ी अमेजिंग लुक आता है यहाँ से। और यहाँ पे पूरा राइड होने वाला है, ये राइडिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ राइड कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सेफली राइड क्योंकि हाईवे N31 हाईवे है, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, बट आप सेफली राइडिंग कर सकते हैं और काफ़ी मस्त राइडिंग का जगह है, काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है। और यदि आप इस साइड से जामुखानी से राइड करते हुए भरी तक जाते हैं, ये तो राइडिंग के 5 से 8 किलोमीटर के बीच का दायरा है, वो काफ़ी शानदार जगह है राइडिंग के लिए, आप राइडिंग कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ राइडिंग करने। बीच में एक पूल आता है जो देखने में काफ़ी शानदार लगेगा आपको, और काफ़ी शानदार ये व्यू देख लो रोड के किनारे, ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग ट्रेवल के साथ जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ मेरी मम्मी भी है तो आपको दिखाएंगे, पर ये व्यू देख लो काफ़ी शानदार है। काफ़ी लोग इधर घूमने भी आते हैं, जस्ट बगल काटी डेम का व्यू भी है, तो वो इधर लोग आके पिकनिक विकनिक मनाते हैं। और जो धूप छाव का जो सिलसिला चल रहा है आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी मज़ा आता है जब ऐसे हमारे साथ छाव चलती हैं, धूप आते हैं जाते हैं, तो बादल का मज़ा आता है। आपको दिख रहा होगा मेरी मम्मी, हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और मम्मी के साथ ट्रैवल करने में काफ़ी मज़ा आता है, इसीलिए मैं ये जो वॉइस ओवर है मैं बाद में किया हूँ, क्योंकि उस समय साथ नहीं करता तो मम्मी मुझे ऊपर से सुनाती, बट ये जो व्यू है वो अलग व्यू है, काफ़ी शानदार यहाँ से आपको दिख रहा होगा डीप
जो इधर पानी का व्यू भी है वो काफ़ी शानदार रहा है, और इधर रोड बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, बस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो ये जगह और काफ़ी अट्रैक्टिव होगा घूमने के लिए, और ख़ास करके लिए बाइक राइडर के लिए ये तो जगह एक नंबर है, और नेचर प्रेमी के लिए तो कहना ही, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह नेचर प्रेमी आके अपना आनंद उठाते हैं। और मैं काफ़ी बार यहाँ पर आ चुका हूँ, आपको 3 से 4 वीडियो यहाँ का तो मिल ही जाएगा हमारे ब्लॉग्स में, हमारे चैनल में। और क्योंकि ये जगह ही इतना खास है भाई, झारखंड की जो ब्यूटी बोलते हैं वो उनमें से एक हमें ये आता है, काफ़ी शानदार काफ़ी खूबसूरत जगह, पिकनिक का स्पॉट और भी चीज़ के लिए काफ़ी शानदार है, और घूमने आप आ सकते हैं। आपको दिख रहा हो उधर रेलवे लाइन क्रॉस किया है, जब ट्रेन आती है वो उसका व्यू यहाँ से काफ़ी शानदार आता है, इधर नदी का व्यू काफ़ी शानदार आता है, अब चारों तरफ पहाड़ से घिरा है तो उसके लिए और भी काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। और भाई आगे का जो व्यू आने वाला है वो काफ़ी शानदार भी रहने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कितना खूबसूरत नदी का व्यू और इधर पहाड़ी वाला व्यू काफ़ी शानदार था, और जो आगे व्यू आपको देखने को मिलेगा ऐसे और ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। और ये जगह सच में बिल्कुल अमेजिंग और बिल्कुल परफेक्ट जगह जिसको बोलते हैं वो है, तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ के, आप यहाँ पे आके पिकनिक मना सकते हैं, क्या कि आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो जगह वो एक पिकनिक स्पॉट है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं घूमने, और यहाँ आके आप बोट राइडिंग और भी काफ़ी चीज़ों का इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ रहने का भी काफ़ी सुविधा है, और यहाँ पे रहने का भी सुविधा उपलब्ध है। आपको पीछे एक झील रेस्टोरेंट करके जगह है, वहाँ पे आपको रहने का पूरा सुविधा मिल जाएगा, आप रह सकते हैं। और पर ये व्यू आप देख सकते हो बिल्कुल अमेजिंग है, आप जब घूमने आइए तो ये सब मिस मत कीजिए। यहाँ पे बोट राइडिंग भी होता है, तो आप बोट राइडिंग का भी सुविधा ले सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा बोट राइडिंग करने में, काफ़ी लंबा चौड़ा जो गेम है वो आप देख सकते हैं, आप पर्सनल बोट राइडिंग कर सकते हैं, वो तो काफ़ी मज़ा होता है। और किनारे में एक यहाँ पे रिसोर्ट बना है जहाँ पे आप रह सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से जो व्यू आता है पूरा डीएम का वो काफ़ी शानदार आता है, जो काफ़ी था। और आप देख सकते हैं जिस रास्ते से भी मैं जा रहा हूँ वहाँ का जो व्यू है वो अमेजिंग है भाई। अरे आपके पास बाइक है, आप बाइक से आए हो, राइडिंग बाइक है या कोई और भी बाइक है, बट आप उससे घूमने आते हैं तो पूरा आनंद मिलेगा, आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू, वैली का जो इधर व्यू है वो अमेजिंग है, और मौसम आज जो मौसम है उसके अनुसार से ये जो डे है बिल्कुल परफेक्ट डे घूमने वाला है। और बारिश के समय जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश होता है वो टाइम वो और खूबसूरत हो कर देता है ये व्यू को, तो काफ़ी मज़ा आता है इधर राइडिंग करने, तो काफ़ी मैं बीच बीच में यहाँ पे आता हूँ और आनंद मतलब जो है इंजॉय करता हूँ, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है ऐसे ऐसे जगह घूमने के बाद सच में। तो आपको क्या बताएं, बिल्कुल परफेक्ट जगह है, आइए आप भी घूमिए कभी हमारे काटी डैम, और इस कमेंट में ज़रूर करके बताइए आपको ये व्यू अभी तक कैसा लगा है, अभी आपको अच्छा लगा और आप अभी हजारीबाग कोडरमा या आसपास के हो तो आप ज़रूर आइए एक बार और ये आनंद लीजिए, काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे फ़ोटो शॉप मतलब जो फ़ोटो शूट आउट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे, बहुत तो लोग प्री वेडिंग और भी चीज़ का मतलब वीडियो बनाने आते हैं, और आपको काफ़ी ब्लॉग मिलेगा, बट ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत कम ही लोग दिखाएँ ये व्यू रोड वाला। आप यदि पर्सनली बाइक से राइड करते हैं यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है, मुझे तो बिल्कुल मज़ा आता है, आपको कैसा लगा ये पता नहीं। अब ये वैली का जो पार्ट था मैंने कंप्लीट कर लिया और अब मैं बहुत जल्द भरी पहुँच जाऊँगा, और काफ़ी शानदार रही आगे जैसे जैसे मैं जाऊँगा वैसे भी अभी खूबसूरत जगह ये बन चुका है, काफ़ी चर्चा में है कुछ दिनों से, क्योंकि जब से ये 4 लाइन बना है वो और भी खूबसूरत हो चुका है। और इधर बगल में हमारे गोबरा के जवान का है रहने का, काफ़ी शानदार। और फिलहाल अभी रामनवमी का जो ख़त्म हुआ है रामनवमी, उसके कारण हर जगह
भगवा झंडा लगा आपको दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इस मौसम में तो भगवा झंडा लहराते हुए दिखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। आप देखिए ये भगवा झंडा जो दिख रहा है वो काफ़ी शानदार लग रहा है, मौसम भी उसके अनुकूल है बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे जगह में मैं बोलता हूँ आप आइए, घूमिए और इन्जॉय कीजिए। तो अब काफ़ी देर से मैं बकबक बोलते जा रहा हूँ, पर काफ़ी मज़ा आ रहा है सच में। ऐसे जगह में घूमने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कहीं किसी और खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। आप मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तो और आप कमेंट करके बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।